मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जनहित और देशहित के सजग प्रहरी और देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस क्लब का नगरीय स्तर पर नगर बेटमा में गठन किया गया। सर्वसहमति अनुसार जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए, साथ ही शासन के साथ आम जनता को अपना इंसाफ दिलाने के उद्देश्य से नगर बेटमा में प्रेस क्लब का गठन किया गया। रंजित मंडलोई को अध्यक्ष, रमेश चंद्र काकरवाल को उपाध्यक्ष, निर्मल पेरुलिया सचिव, सुनील यादव को सह सचिव, साथ ही महासचिव के पद पर अनिल मंडलोई और कोषा अध्यक्ष के पद पर सुनील मुनिया, फिरोज खान और राजेंद्र सूर्यवंशी को प्रवक्ता के साथ ही धन्नालाल बड़गुजर के संरक्षण में प्रेस क्लब का गठन किया गया। नवगठित प्रेस क्लब का नगरवासियों के साथ पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मित्र मंडल द्वारा मिठाई खिलाकर और हार पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही नगरवासियों द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए कामना की गई और उन्हें बधाई प्रदान की गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। प्रेस क्लब का गठन हुआ बेटमा नगर के साथ आसपास 80 या 84 गांव लगते हैं। सभी दूर की समस्या, सभी दूर के अपराध, सभी दूर की व्यवस्था अकेले अधिकारी नहीं कर सकता। प्रेस क्लब का गठन जो हुआ है, इसमें प्रेस के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनके पास पूरे 80 गांव की न्यूज कहीं से ना कहीं से आती है। इसमें अपराध में रोकथाम होगी और पुलिस की मदद होगी, साथ ही गांव के विकास होंगे, गांव की जो समस्याएं हैं रोड की, स्कूल की, ये भी पत्रकार उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के बेटमा के साथ आसपास के 80 गांव का विकास इस प्रेस क्लब के माध्यम से होगा। मैं प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूँ, अध्यक्ष रंजीत सिंह जी और उपाध्यक्ष माननीय काकरवाल जी और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बेटमा नगर की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि ये सार्थक पहल करके इस नगर को ऊंचाई तक ले जाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।